सीबीसी पर बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में कथित तो वकील पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बीच सड़क पर महिला का दुपट्टा खींचकर थप्पड़ मारने की कोशिश की गई। महिला से वकील के इस शर्मनाक व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और ये देखिए तस्वीरें भी आपके सामने, किस तरीके से इस वीडियो में आप देख सकते हैं, एक महिला जिसका दुपट्टा खींचा जा रहा है, ये वकील है जो इस तरीके की शर्मनाक हरकत कर रहा है, महिला का दुपट्टा खींचकर उसको थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। प्रयागराज का ये मामला है जहां पर कथित वकील पर ये छेड़छाड़ का आरोप लगा है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर इस महिला का दुपट्टा खींचकर थप्पड़ मारने की इसको कोशिश की। तो ये प्रयागराज का मामला आप देख रहे हैं, कथित वकील पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब सीधे हम रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी अजय दुबे, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मंचलों पर योगी सरकार ने सख्त एक्शन का जो सीधा संदेश है वो अजय दुबे दे दिया है, लेकिन अब ये एक और तस्वीर जहां पर एक महिला का दुपट्टा खींचकर थप्पड़ मारने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सदन के दौरान दिए अपने बयान में, और न केवल विधानसभा बल्कि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे वो सबसे पहले शुरुआती फैसलों में रोमियो स्क्वाड का इस गठन क्यों ना हो, महिला जहां वो बार बार सदन में कहते हैं बेटियों बहनों के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई वहाँ स्पेस नहीं दिया जाएगा, और उसके लिए बुलेट एक्सप्रेस जो यहाँ सद्भावना एक्सप्रेस है, बुलेट ट्रेन तक की बात वो कह रहे हैं, और इसका प्रैक्टिकल अप्रोच उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था में देखने को मिल रहा है। लखनऊ में जहाँ पहले दिन गिरफ्तारी 4 थी, अगले दिन 12 और गिरफ्तार किए गए, तो अब यह आंकड़ा 20 के आसपास पहुंच गया है, और पुलिस अब भी तस्दीक दे रही है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग थानों में अभी भी लड़कों को बैठाला हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है, उनसे पुलिस तफ्तीश कर रही है अभी, उसके बाद गिरफ्तारियां भी आगे देखने को इस पूरे मामले में मिलेंगी। और साथ ही प्रयागराज का ये वीडियो वायरल है जिसको लेकर भी प्रशासन नजर बनाए हुए, लखनऊ से अधिकारियों ने इसको संज्ञान में लिया हुआ है, और प्रयागराज में एक्शन जल्दी देखने को इस पर मिलेगा। बिल्कुल अजय, हम देख रहे हैं तस्वीरों में, जब ये तस्वीरें आई थी सामने उस समय साफ साफ नजर आ रहा था कि हुड़दंगी किस तरीके से, मॉनसून का समय जब बारिश होती है, लोग आम जनजीवन वैसे ही अस्त व्यस्त रहता है, लोग परेशान रहते हैं, लेकिन आने जाने वाले लोगों को इस तरीके से परेशान करना, उसके बाद तुरंत योगी सरकार का एक्शन में आना, मुजफ्फरनगर में जो हुआ उसके बाद भी योगी सरकार का एक्शन में आना, सख्त संदेश कि मंचलों को बख्शा नहीं जाएगा, हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का निर्देश साफ है, और इसी का जो इकबाल मुख्यमंत्री का है उसका असर ग्राउंड पर देखने को मिलता है, जहां भी महिलाओं से जुड़े मामले होते हैं, चाहे वो अंबेडकर नगर में लड़की के साथ दुपट्टा खींचने की घटना हुई हो जिसमें उस लड़की की मौत हुई, अगले दिन ही हाफ एनकाउंटर देखने को मिला, और ऐसी तमाम तस्वीरें उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, मुजफ्फरनगर में इस समय देखने को मिली है, लखनऊ में शहदों ने छेड़खानी की, हुड़दंगई की, उसमें गिरफ्तारी देखने को मिली है, और प्रयागराज की घटना को लेकर भी चर्चा है लगातार। मुख्यमंत्री क्योंकि मामले में बेहद सख्त रहते हैं, और कोई भी चाहे वो अयोध्या वाली घटना क्यों ना हो, जैसे ही महिलाओं से जुड़ा कोई मामला निकलकर सामने आता है तो चौकी से लेकर थानों से लेकर खुद जो वहां के कप्तान जिले के होते हैं या कमिश्नर होते हैं उन तक के कान खड़े हो जाते हैं, और उसका साफ साफ असर होता है कि जमीन पर एक्शन देखने को मिलता है। प्रयागराज की भी वायरल वीडियो, उसकी भी चर्चा लगातार बनी हुई है, और एक्शन लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं से जुड़े अपराधों में देखने को मिला। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कह दिया था सदन के भीतर के ऐसे लोगों के खिलाफ भावना नहीं, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। देखिए अब ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर में मंचले स्कूटी से आए थे, गिरफ्तारी के बाद अपने पैरों पर खड़े होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए मुजफ्फरनगर में किस तरीके से जो मंचले हैं वो अक्सर छात्राओं को परेशान करते थे, लेकिन धर दबोचा गया और उसके बाद इनकी वो धुनाई की गई, इनको ऐसा सबक सिखाया गया, इनका वो इलाज किया गया कि अब ये जिंदगी भर याद रखेंगे। देखिए अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और इसी के जरिए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संदेश भी दे दिया है ये कहते हुए कि कोई हुड़दंगी हो, कोई मंचला हो, महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध होगा तो उसे उसकी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा, जैसा कि इन मंचलों को पहुंचाया गया है। पांव पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अब आप समझिए अगर कोई महिलाओं के साथ अपराध करता है तो उसका अंजाम क्या होगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हुए यहाँ मंचले नजर आ रहे हैं, लेकिन योगी सरकार की तरफ से सख्त संदेश एक्शन के बाद कि इनको बख्शा नहीं जाएगा। ये देखिए किस तरीके से छेड़छाड़ कर रहे थे, उसके बाद अपने पैरों से चलकर भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये एक्शन हुआ है किस तरीके से, यहाँ पर ये इनको कंधे पर
ले जाना पड़ रहा है। उस समय हीरो बन के दिखा रहे थे, लेकिन यहां पर किस तरीके से कंधों पर जा रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाई, देखिए यहां पर आते हैं, बाइक रोकते हैं, उन पर कमेंट करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन यहां पर दूसरी तस्वीर में उसी उन्हीं मंचलों का ये हाल योगी सरकार करती है, यानी कि सख्त संदेश, साफ संदेश इनको बख्शा नहीं जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे किस तरीके से आशा किरण में अंधेरा क्यों छाया हुआ है। दिल्ली के शेल्टर होम में मासूम बच्चों की मौत के बाद दिल्ली सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े होने लगे हैं, लेकिन अब इसी को लेकर सियासत भी हो रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में है, यानी जेल से सरकार चल रही है। और हालात ये है कि कई हादसे हो रहे हैं तो कई व्यवस्था इस कदर चरमरा गई जिसका खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ताजा मामला दिल्ली के रोहिणी इलाके में संचालित आशा किरण शेल्टर होम का है, जहां बीते 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। प्राथमिक तौर पर मौतों का कारण कुपोषण समेत स्वास्थ्य सेवाओं को माना जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बच्चों की मौत को लेकर अन्य सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने बच्चों की मौतों के लिए सीधे सीधे आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली की भ्रष्ट सरकार बच्चों को उचित व्यवस्था देने में नाकाम है, लिहाजा बच्चों की मौत हो रही है। आशा किरण के बीच एक महीने में इतने लगभग दर्जन भर बच्चों का मौत के मुंह में चला जाना, करंट लग के लोगों का पानी में मर जाना, आखिर दिल्ली को किस हद तक इस तरह से रोता हुआ देखेंगे हम, दिल्ली में मौत बांटी जा रही है। तो वही घटना की जानकारी मिलते ही NCW की चीफ शेल्टर होम पहुंची, जिसके बाद उनकी तरफ से शेल्टर होम में व्यवस्थाओं को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। रेखा शर्मा ने कहा कि शेल्टर होम बच्चों के रहने के लायक नहीं है, बड़े स्तर पर लापरवाही हो रही है। पानी एक तो कंटेमिनेटेड है, फिल्टर्स प्रॉपरली लगे नहीं हुए, अभी मैं किचन में होके आई हूँ, वहाँ पर भी फिल्टर नहीं है। पानी जो भी आ रहा है, जो भी बच्चों को पिला रहे हैं, और जितने लोगों की डायरिया से ज्यादातर अधिकतर डेथ हुई है, ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, जहाँ पर सिर्फ 250 लोगों के रहने की जगह है महिलाओं की, वहाँ पर 495 लोग रह रहे हैं इस गर्मी में। अभी वहाँ से लोगों को इन्होंने इतनी डेथ होने के बाद निकाला है, उसमें से कुछ टीबी की डेथ भी है जो साथ रह रहे थे। शेल्टर होम में अव्यवस्थाओं को लेकर स्वाति मालीवाल ने भी बड़ा खुलासा किया है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उनकी ओर से शेल्टर होम को लेकर दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई थी, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्वाति मालीवाल ने स्वीकार किया कि शेल्टर होम की हालत बहुत खराब थी। मैं जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, तब भी कुछ साल पहले इसी शेल्टर होम में 2 महीनों में 11 मौतें हुई थी। मैंने यहाँ जाकर इंस्पेक्शन किया था और मैंने बहुत बुरे हालात पाए थे। मैंने सरकार को रिपोर्ट भी दी थी, मैंने सरकार को बताया था कि किस तरीके से महिलाएं वहां पे, क्योंकि स्टाफ ठीक से नहीं है, क्योंकि व्हीलचेयर्स नहीं है, रेंग रेंग के बाथरूम जाने पे मजबूर हैं। डॉक्टर्स की कमी थी और साइकियाट्रिस्ट तो पूरे हफ्ते में एक बार आता था, और वो भी कुछ घंटों के लिए। इतनी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बना के हमने दिल्ली सरकार को दी, तब भी कुछ इंक्वायरी हुई थी, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हुई। हैरान करने वाली बात ये है कि न सिर्फ जुलाई के महीने में, बल्कि बीते कई महीनों से बच्चों के बीमार पड़ने और बीमारी से मौत का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन मासूम बच्चों की सुध लेने वाला कोई नहीं। रिपब्लिक भारत के पास मौजूद मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार आशा किरण नाम से संचालित शेल्टर होम में जुलाई के महीने में 54 बच्चे बीमार हुए और 13 बच्चों की मौत हो, तो वहीं जून के महीने में 46 बच्चे बीमार पड़े, जिसमें से 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं मई के महीने में 26 बच्चे बीमार पड़े, जिसमें से 1 बच्चे की मौत हो गई। अप्रैल के महीने में 21 बच्चे बीमार पड़े और 2 बच्चों की मौत हो गई। जैसा ही हाल मार्च के महीने का भी रहा। मार्च के महीने में 31 बच्चे बीमार पड़े, जिसमें से 3 बच्चों की मौत हो गई। फरवरी के महीने में भी 38 बच्चे बीमार पड़े और उसमें से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि जनवरी के महीने में 30 बच्चे बीमार पड़े और 3 बच्चों की मौत हो गई। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि बीते 7 महीने में ऐसा कोई महीना नहीं बीता जब शेल्टर होम में किसी मासूम ने दम ना तोड़ा हो।
यही वजह है कि विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो वही सरकार की तरफ से भी बच्चों की मौतों के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आप सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। 14 डेथ्स एक महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है। जैसे ही ये खबर आई, तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो वही बच्चों की मौत पर हो रही सियासत के बीच दिल्ली के एलजी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और कहा है कि संबंधित अधिकारियों की ओर से आपराधिक लापरवाही हुई है। साथ ही दिल्ली एलजी की तरफ से जीएनसीटीटी द्वारा चलाए जा रहे सभी शेल्टर होम की स्थिति के बारे में व्यापक जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें आशा किरण होम में हुई मौतों की जांच भी शामिल है। जांच की रिपोर्ट के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है, जिसके बाद जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की मौत कैसे हुई, इसको लेकर सवाल बरकरार है। शेल्टर होम में पीने के पानी के साथ साथ अन्य सुविधाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर बाल संरक्षण आयोग ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और दिल्ली सरकार को पूरे मामले में 48 घंटे में जवाब देने के लिए कहा है। कुल मिलाकर हर घटना के बाद जांच और कार्रवाई वाला वही फॉर्मेट दिखाई दे रहा है जो सरकारों को सबसे ज्यादा सूट करता है। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब सरकारें तमाम शिकायतों के बाद भी चैन की नींद सोई रहती है और जब मौत का तांडव होता है तो कार्रवाई की बात कर पल्ला झाड़ लेती है। यानी सियासत और सरकारों के लिए बच्चों की जान का कोई मोल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए सीधे रुक लेते हैं, हमारे सहयोगी साहिल भामरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। साहिल, बच्चों को किसके भरोसे छोड़ा गया था? इतने बच्चे जुलाई में हम देखें, जुलाई में 13 बच्चों की मौत हो गई, अब कौन लेगा जिम्मेदारी?